तो सबको सुरजापुरी लोग चाहिए, इसीलिए मैं सुरजापुरी पर बोलवा चाहती हूँ। हाँ, सबसे पहले सभा को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज हमरा अपना काम धाम छोड़े असदुद्दीन अवैसी साहबक दखुआ और सुनवा हुई, तो वहां से मो एक आदमी से मो वक्त दखुआ और सुनवा हुई। वहां भी बहुत बड़का फैन है, जमन तुमरा मोर फैन है, तो इसीलिए हम चाहते थे वो समझे, सोचे समझे करना है। और असदुद्दीन अवैसी साहब एक अच्छा रहनुमा है, लीडर है, हम चार तने बोलो, हम चार हकर तने बोलो, एनआरसी मामला हो, चाहे सीए मामला हो, चाहे बाबरी मस्जिद मामला हो, आज तक मैं कोयडा लीडर हो इला बात बोलते नहीं रख लू, तो इसीलिए हम चाहते हैं अवैसी साहब बेस्ट है। और एक अख्तर रहमान साहब जे कि हम चार सीमांचल अला गांधी नाम से जाना जा, ताकि हो हम चार जतरी बिहार मुद्दा छे सबला हम चार अख्तर रहमान साहब उठा, जतरी भी हो ईशा मस्जिद चले गए बिहार शरीफ हो तो वही आवाज उठा ले, महानंदा पुल हंगेल वार बाद एएमयू हंगेल, बहुत प्रयास करो। तो हम चाह को प्रयास करना चाहिए कि हम चाह अच्छा लीडर चुनना चाहिए, कोई तो भाई हाल बह देने वाला नहीं है, कोई तो कारो खबर खरीद देने वाला नहीं है, तो इसीलिए हम चाह अच्छा रहनुमा चुनना चाहिए। इरा फिर पांचटा विधायक बना ले, इंशाल्लाह उम्मीद करी कि दसटा विधायक जावे सीमांचल से, उम्मीद करूंगी। आप तुम्हारा दिल थामे बैठो, असदुद्दीन अवैसी साहब बसने वाला है, आ वक्त सबको सुनबे, हम तक तो खैर सुनते रहते लेकिन वहाँ इटी का लाइव दफा मौका मिलवे। मैं बस तुम से एक ना गुजारिश करूँ कि अपना वोट तक बर्बाद ना करें, जे अच्छा लागो वाक भर दो, हम चाहते ना जे बेच है वाक भर दो, जे हम चार आवाज उठा, जे हम चार कौमेल आवाज उठा, हम चार कौमेल कौमेल आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा। तो हम चाह सोचे समझे वोट करना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।